नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। तो दोस्तों, बैंकिंग सीरीज का एक और वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं, जो कि है ट्रेजरी बिल्स, जिसको हम टी बिल्स भी कहते हैं। यह क्या होता है, कैसे इसका काम होता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेजरी बिल्स होता क्या है। ट्रेजरी बिल्स या फिर टी बिल्स एक निवेश का विकल्प है। टी बिल्स सरकार आरबीआई की मदद से जारी करती है। यह वैसा ही है जैसे हमें जब पैसों की जरूरत होती है तब हम बैंक से लोन ले लेते हैं और इसके बदले में बैंक को ब्याज देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट देते हैं। वैसे ही जब सरकार को एक साल से कम समय के लिए पैसों की जरूरत होती है तब वह ट्रेजरी बिल्स जारी करती है, जिसमें निवेश करने वाले को एक निश्चित प्रतिशत का ब्याज मिलता है। हालांकि टी बिल्स में मिलने वाला यह ब्याज बॉन्ड्स में मिलने वाले ब्याज की तरह सीधा नहीं मिलता। तो फिर कैसे मिलता है इसका ब्याज? आमतौर पर टी बिल्स का उसकी फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू से डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। फिर जब उसकी अवधि खत्म हो जाती है तब उसे उसकी फेस वैल्यू पर आरबीआई द्वारा रिडीम किया जाता है। जैसे आपको 100 रुपए की फेस वैल्यू की टी बिल्स 97.5 रुपए में मिलेंगे, लेकिन जब इसकी समय अवधि खत्म होगी तो इसके बदले में आपको 100 रुपए मिलेंगे, जिससे इन दोनों के बीच की राशि जो निकल कर आएगी वो है 2.5 रुपए, जो कि आपका ब्याज होगा। इस तरह ट्रेजरी बिल्स के निवेशकों को ब्याज मिलता है। अब हम जान लेते हैं कितने समय के लिए निवेश करना होता है। भारत में मुख्य 3 अवधि के ट्रेजरी बिल्स जारी किए जाते हैं। इनमें 91 दिन के टी बिल्स, 182 दिन के टी बिल्स और 364 दिन के टी बिल्स शामिल हैं। 91 दिन के टी बिल्स में 91 दिन के बाद आपको उस टी बिल की फेस वैल्यू पर आपके पैसे आपके बैंक में मिल जाते हैं। ऐसे ही 182 दिन, 364 दिन की अवधि खत्म होने पर पैसा आपको मिल जाता है। तो अब बात आती है टी बिल्स कैसे खरीदा जा सकता है। टी बिल्स को सरकार आरबीआई द्वारा जारी करती है। आरबीआई अपनी वेबसाइट पर इसके लिए नोटिफिकेशन देती है। इसके बाद जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वह अपनी आवेदन के यूनिट्स लिखकर आवेदन कर सकते हैं। सालों पहले सामान्य निवेशक टी बिल्स में सीधे निवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन 2016 के बाद से सामान्य निवेशक भी इसमें निवेश कर सकते हैं। एनएससी ने भी टी बिल्स और बॉन्ड जैसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि है एनएससी गोबिड ऐप। इस ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। इसके अलावा जीरोधा के द्वारा भी सामान्य निवेशक अपने टी बिल्स का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का समय खत्म हो जाने के बाद जिन दामों पर आवेदन किया गया है उन सबका एक एवरेज दाम निकाला जाता है, फिर उसी दाम पर निवेशकों को टी बिल्स जारी किए जाते हैं। यह टी बिल्स निवेशकों के डीमैट अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं। इसके बाद आईपीओ के शेयर की तरह इन टी बिल्स को भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया जाता है। जो लोग इसे समय से पहले बेचना चाहते हैं वह लोग स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हैं। तो अब बात आती है टी बिल्स में टैक्स कितना लगता है। टी बिल्स की अवधि एक साल से कम की होने से इसके द्वारा मिला गया ब्याज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, इसलिए इस ब्याज पर निवेशक को उसकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ट्रेजरी बिल से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।